अमृत वाणी आपका हार्दिक स्वागत करती है। सादर जय जिने। तो भगवती सूत्र में यह बात आई है कि छद्मस्त हंसता है, तो यह मोहनीय कर्म का उदय होने से आदमी हंसता है, चारित्र मोहनीय के उदय से हंसता है। तो हंसने पर नियंत्रण भी हमें रखना चाहिए और कम से कम दूसरे को कष्ट हो उस रूप में नहीं हंसना चाहिए। किसी की मजाक उड़ाने के रूप में, उपहास करने के रूप में वो नहीं हंसना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा, कबाई आए उसको देख करके नहीं हंसना चाहिए, कोई बोलते बोलते भूल से कुछ बोल दे तो मजाक या उपहास के रूप में नहीं हंसना चाहिए, कोई गिर जाए उसको देख कर बैठा बैठा हंसता रहे वो बढ़िया बात इतनी नहीं होती है। यों अनेक रूपों में एक सभ्य आदमी को हंसने पर कंट्रोल रखना चाहिए।